तुम्हारी ना प्रॉब्लम क्या है ये मुझे समझ नहीं आता, लेकिन सच बताऊं तो अब मैं तुम्हें समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें समझना क्वांटम फिजिक्स को समझने से भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू ज़रूर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। क्योंकि जब तुमने मुझे छोड़ा, ठुकराया, धुतकारा, तो मैंने खुद को जाना, समझा, पहचाना और मैंने खुद से प्यार किया, खुद को एक्सेप्ट किया और माफ़ किया उस गलती के लिए, जो गलती मैंने कभी की ही नहीं थी। हालांकि जब गलती मैंने नहीं की तो किसने की गलती? तुमने? नहीं, तुम कैसे कोई गलती कर सकती हो? तुम तो इंसान ही नहीं हो ना, एलियन तो नहीं कहीं? तो नहीं, तुम एलियन नहीं हो सकती। कम से कम एलियन भी तुमसे बेटर ही होंगे, कम से कम वो सेल्फ रियलाइज्ड तो होंगे। लेकिन सच बताऊं तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम्हारी शक्ल देखने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। सच बताऊँ तो तुम्हें अपने बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो भी नहीं। सेल्फ ऑब्सेस्ड होने में और सेल्फिश होने में एक फ़र्क होता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान वो होता है जो अपने बारे में भी सोचता है, और सेल्फिश इंसान वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। और तुम वही कर रही हो, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, किसी की फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है तुम्हें। अब जाओ यहाँ से, प्लीज़ तुम जाओ। अबे बंद कर कैमरा, कब तक सैड मुंह बनाऊँ मैं? और तुम्हारे पास कोई कॉमेडी स्क्रिप्ट नहीं है क्या? कब तक ये रोमांटिक सैड सैड रोना धोना करवाते रहोगे? बंद कर।